मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2001। मुरली का सार है, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी हैं ही हैं। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। तो बाबा ने पूछा कि किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना कि मैं हूँ, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। कैसे राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है और चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज रखना तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है, क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो कि मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है, बताओ कि कभी मेरा अधिकारी बन जाता और कब मैं अधिकारी बन जाती? समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं ना कि भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आए तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं? सर्वशक्तियाँ हैं? किसी को शांति की शक्ति चाहिए लेकिन आप कोई और शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी? जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं होगा ना। तो एवर रेडी बनना, सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं,
वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वे सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं कि जैसे समाचार सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन तो एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके तो फिर कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्ति आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया निर्णय शक्ति, तो एक सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, तो ऐसे ऑर्डर में है, या एक मिनट अपने में आने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा। तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है ना कि आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना कि ये तो रिहर्सल है, ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजाया। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। तो शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया गया, कैसी दिखाई गई शक्तियाँ? तो शक्तियों में, तो शक्ति रूप में पांडव भी तो आ गए ना और शक्तियाँ भी आ गई। तो बाबा कहते सदा शक्तियों को, कोई 4 भुजा, कोई 6 भुजा, कोई 8 भुजा, कोई 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्व शक्तिमान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज करके देखो। तो सबसे पहला अभ्यास क्या करना है, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं, मालिक हो के ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियाँ मुझ राजा के लव में और लॉ में चलती हैं। माना जो मन में आया उसी के अनुसार नहीं चलना, कि आत्मा राजा है ना, क्या वो जो ऑर्डर देती है वो कर्मेंद्रियाँ लव से और लॉ में चलती हैं। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, तो क्या ये लव और लॉ रहा। ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो क्या ये ऑर्डर है, ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हम निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कि कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना ही चाहिए है ना, कि कैसे मैं दबकर चलूँ, मेरे गुस्सा थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, तो क्या ये लव और ऑर्डर है। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो और आगे चल। आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। तो पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो कि स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियाँ आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो वो करेंगे। अभी कहते हैं ना कि बाबा चाहते तो ये हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ, फिर करेंगे, कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया सहज।
तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो और संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार, आपके ऑर्डर में मालिकपन लाओ। संस्कार किस में बंधा हुआ है? आपके ऑर्डर में। तो बाबा कहते मालिक बन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। मालिक बन लाएंगे तभी तो सेवा करेंगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय आना ही है, ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना कि पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा। शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई, ऐसे अंतःवाक शरीर अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो कि कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे, जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई है ना, तो शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं समाचार सुन के, देख के घबराए? ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा कि यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुँच गए तो पहुँच गए ना, जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है और भय आपको आ रहा है। निर्भय ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों में भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी तो भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो है सदा साफ दिल, सच्ची दिल, तो कभी भय आएगा ही नहीं। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं तो फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, तो लगभग 700 के करीब आए हैं। तो बाबा कहते भल पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, तो वो 4000 के करीब भाई बहन थे। तो बाबा ने कहा 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है, हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है, चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा कि महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के,
दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की? चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं मिलती हैं। और ये दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती हैं, डबल फ़ायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फ़ायदा हो गया ना। तो अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक है। तो 100 कुमारियों का समर्पण समारोह भी था, तो बाबा ने कहा अच्छा 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ, अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो हैं ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना? पक्का पक्का, जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का। पावर पूछा, बहुत पक्का ना? महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, तो बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी एक सेकंड में फरिश्ता बन विशेष, जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है ना, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ, चक्कर लगाओ कराओ कि एक सेकंड में सबके सब चक्कर लगा के जाओ। अच्छा, तो बाबा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकार स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा ने बात की, आप सबको खुशी हो रही है ना कि हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं, तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं, और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, बाबा ने जगदीश भाई से भी बात की कि सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया, वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि अभी देना है, आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं, साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है, तो यह सारा ग्रुप क्या है, शक्ति का स्रोत है ना। तो दादी जानकी कह रही हैं, चलाने वाला बहुत रमजबाज है, रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं, क्या गाते हैं? मेरा बाबा। तो ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना, मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं, क्यों? भगवान को बांध लिया है ना। तो दादी जानकी से बाबा पूछ रहे, बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला, कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति।
तो बाबा ने आज वरदान दिया, स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति।